मौलाना कलब जवाहर साहब, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी वो जेपीसी के हवाले से बुलाई थी। आपने बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए जेपीसी पर, वो क्यों, क्या वजह क्या है? बता, पूरी वजह तो आपको बता दी रही भाई कि वो हार्ड कॉपी नहीं ले रहे हैं और रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। जब रिसीविंग नहीं दे रहे हैं तो उसका सबूत क्या है कि उनके पास पहुंची है? वो कह रहे हैं हमारे कोई हार्ड कॉपी नहीं आई, जबकि रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है। अफसर कह रहा है कि 50,000 डेली हमारे पास हार्ड कॉपी आ रही है, हम सबकी रिसीविंग कैसे दे सकते हैं? किसी मतलब 50,000 डेली पहुंच रही है, रिकॉर्ड कहाँ है? इसका मतलब बेईमानी की जा रही है, धोखा दिया जा रहा है। और बाद में कह रहे हैं हमारे कोई कोई ऑब्जेक्शन आया ही नहीं, हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। अरे साहब, हम 1.5 करोड़ कहाँ पढ़ेंगे, 1.5 करोड़ कहाँ पढ़ेंगे? ये सब बीमारी पहले प्लानिंग के साथ ही हुआ है कि सब को औकाफ को खत्म कर। अच्छा, अभी जीपीसी की रिपोर्ट आई नहीं और अमित शाह बयान दे रहे कि आप पास करवा देंगे, इससे बड़ी बीमारी और क्या होगी? अभी रिपोर्ट आई नहीं और आप कह रहे हैं पास करवा देंगे, ये कहना चाहिए था कि अगर उनकी फेवर में आई रिपोर्ट हमारे तब हम पास करवाएंगे। तो इसका मतलब पहले से प्लानिंग है, जीपीसी धोखा है, सिर्फ धोखा है और कुछ नहीं इसका। मगर ये जो है आप लोगों का जो कंटेंशन है कि भाई ये बताया नहीं जा रहा है, रेफरेंडम थोड़ी हो रहा वक्त पर, रेफरेंडम तो नहीं है जेपीसी में, कंसल्टेशन है। ये इश्तिहार देकर हम मांगे, हम खुद से नहीं दे रहे, उन्होंने मांगा इसलिए दे रहे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आप उन्होंने कहा कि अपने आप दीजिए, बताले बात दीजिए, अपने ऑब्जेक्शन दीजिए, उन्होंने मांगे हम दे रहे हैं, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग के बाद और जो आप मौलवी से गुफ्तगू हो रही है उसकी भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है उसकी लाइव जाता है, पार्लियामेंट का लाइव जाता, और आप इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कह रहे हैं हम लाइव नहीं, हम सब सीक्रेट रखे। तो बेईमानी कह रहा था इसलिए सीक्रेट रखा जा रहा है, कहते हैं हमारे कुछ आया ही नहीं है, कहते हैं हमारे कुछ नहीं आया है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था बाबा इस सिलसिले में? ये क्या है, मैं भेजा है पूरा, ये सब दिया है, वहाँ जाकर दिया है, हम खुद पार्लियामेंट गए, अच्छा पार्लियामेंट जाने के बावजूद नहीं लिया गया है। और बात समझ लीजिए, हमने पहले दिन कहा था जेपीसी धोखा है, हमें एक पैसे का यकीन नहीं है जेपीसी पे, उन्हें बेनकाब करने के लिए ही पार्लियामेंट गए थे, और जो बेनकाब हुए वो कि उन्होंने नहीं रिसीविंग दी है। तो यही बात कही जा रही, जेपीसी धोखा है, और तमाम हिंदुस्तानी तंजीमें आफ्ताब शेख कलब जवाद साहब की टच में है, और इंशाल्लाह हम मुतालबा कर रहे हैं कि ये लिस्ट जारी करें और फिर हम इन्हें बेनकाब करेंगे और बड़े पैमाने पर एहतजाज भी होगा। वक्त तरमीमी बिल 2024 के बारे में जॉइंट पार्लियामेंट्री तश्कील दी गई थी, उसके हेयरिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर एक तंजीम की तरफ से, अंजुमन हैदरी की तरफ से संगीन इल्जाम आयद किए गए और जेपीसी को धोखा करार दिया गया है। इस सिलसिले में आज यहाँ दरगाह शाह मर्दा जूरबाग के इलाके में, नई दिल्ली का जो इलाका है, जो शियाओं का जो इलाका है, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे मौलाना कलब जवाद ने खिताब किया और दीगर जो भी इसके जिम्मेदारान थे उन लोगों ने भी खिताब किया और जेपीसी पर संगीन इल्जाम आयद किए। उनका कहना है कि जो हार्ड कापी दी जा रही थी, जो ठोस सबूत पेश किए जा रहे थे, जेपीसी ने उसे लेने से इनकार कर दिया, उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर कर दिया गया। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया कि जिस तरह पार्लियामेंट की जो है लाइव रिकॉर्डिंग होती है, तो आजकल सुप्रीम कोर्ट अदालतों में भी बहुत सी जगह पर जो है लाइव रिकॉर्डिंग होती है, उसी तरह जेपीसी की भी लाइव रिकॉर्डिंग की जाए, लोगों को पता चले कि उसके प्रोसीडिंग के दौरान, उसके हेयरिंग के दौरान क्या हो रहा है, किन लोगों से बात की जा रही है, किन उमूर पर बात की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि ये जो है सिर्फ एक ढकोसला है कलब जवाद साहब का। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।